इंडिया में आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। भारत के इतिहास में 2 अक्टूबर का दिन का खास महत्व है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर आज गांधी समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया है और हर साल की तरह कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे और श्रद्धांजलि भी देंगे। बता दें, कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे तक राजघाट गांधी समाधि पर ही होगा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी गांधी जयंती के पर्व संध्या पर देश वासियों को शुभकामनाएं दी और उनसे भारत को महात्मा गांधी के सपनों का देश बनाने का संकल्प लेने को कहा। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गांधी जयंती सभी भारतीयों के लिए विशेष दिन है। यह अवसर पर हम सभी के लिए गांधी जी के संघर्ष और बलिदान को याद करने का मौका है। यह अवसर हमें हमारे देश की समृद्धि और विकास के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। गांधी जयंती के अवसर पर पीएम मोदी जल शक्ति मंत्रालय के प्रमुख जल जीवन मिशन को भी समर्पित एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में पानी समितियों, ग्राम जल और स्वच्छता समिति के साथ बातचीत भी करेंगे। साथ ही उनसे जल जीवन मिशन और इसके लाभों के बारे में बातचीत करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सुबह राजघाट पर श्रद्धांजलि देने के लिए भी जाएंगे। बता दें, असंगठित कांग्रेस का सम्मेलन पार्टी मुख्यालय पर दोपहर 1 बजे से मनरेगा मजदूरों का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया गया है, तो राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आगाज हो चुका है और इस बार दुबई एक्सपो में भारत का पवेलियन सबसे बड़ा है। यहाँ 190 से ज्यादा देश इकट्ठे हुए हैं और सभी के अलग अलग पवेलियन बनाए गए हैं। हर मुल्क का पवेलियन अपनी बढ़ती ताकत और अपनी क्षमता से दुनिया को रूबरू करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बता दें, दुबई एक्सपो में मिनी वर्ल्ड की झलक देखने को मिल रही है, लेकिन हिंदुस्तान का रंग यहाँ सबसे ज्यादा बेजोड़ और बेमिसाल है। भारत के अलग अलग राज्यों की संस्कृति और यात्रा का प्रदर्शन किया गया है। वहां अयोध्या और राम मंदिर का भी प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया है। उद्घाटन की शुरुआत नाथूलाल सोलंकी परिवार द्वारा भारतीय मंडप की सीढ़ियों पर शंख की ध्वनि के साथ हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सपो 2020 दुबई में इंडिया पवेलियन में मौजूद लोगों से एक वीडियो संदेश में कहा कि भारत प्रतिभा का एक गढ़ है। पीएम ने निवेशकों को भी आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत में आपको अधिकतम वृद्धि का भी मौका मिलेगा और पैमाने में वृद्धि, महत्वाकांक्षा में वृद्धि, परिणामों में वृद्धि और भारत आए और हमारी विकास गाथा का हिस्सा बने। बता दें आपको, एक्सपो 2020 दुबई में इंडिया पवेलियन में लोगों का स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है क्योंकि ये पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला आयोजन है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की और इस दौरान सीएम योगी ने उनको ODOP के गिफ्ट हैम्पर तोहफे में दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना एक जिला एक उत्पाद ODOP का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। आपको बता दें, अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने उन्हें ODOP का उत्पाद भी भेंट किया। सहगल ने आगे लिखा कि कंगना ODOP की ब्रांड एम्बेसडर होंगी और यूपी सरकार ने स्वदेशी उत्पादों को खास पहचान दिलाने के इरादे से एक जिला एक उत्पाद परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राज्य के सभी 75 जिलों के खास उत्पादों को इंडस्ट्री से जोड़ना है। कंगना रनौत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उनके कार्यों की प्रशंसा की। रनौत ने प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए भी मुख्यमंत्री को विचार दिया और ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि सीएम योगी ने इस मुलाकात के दौरान रनौत को स्मृति चिन्ह दिया और कहा कि वो अयोध्या आए तो भगवान श्री राम का दर्शन करें। और इस पर कंगना ने कहा कि रामचंद्र की तरह तपस्वी राजा का यहाँ पर राज रहे और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी की मोदी से ये पहली मुलाकात थी। ऐसे में पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद सीएम ने कहा कि उन्होंने धान खरीद, कृषि कानून और करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बातचीत की है। प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक घंटे चली मुलाकात की तस्वीरें भी ट्वीट की हैं। सीएम ने कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी और कोई भी एजेंडा नहीं था। उन्होंने कहा कि पंजाब में धान खरीद का सीजन शुरू हो चुका है। आमतौर पर 1 अक्टूबर से खरीद शुरू हो जाती है, ऐसे में केंद्र ने उसे 10 अक्टूबर कर दिया है। मैंने आग्रह किया है कि अभी शुरू करवाएं। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से कहा कि तीनों कृषि कानूनों का झगड़ा खत्म करें, कानूनों को वापस लें। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी है। वहीं पीएम ने भी कहा कि वो इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं, इस देश में चल रहे हैं। और इसीलिए सीएम चन्नी ने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था खेती से ही चलती है। पंजाब तभी प्रगति करेगा जब किसान खुशहाल होगा। पंजाब ने हमेशा देश की एकता, आजादी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है। ये मसला जल्द से जल्द ही सुलझ जाना चाहिए। तो दोनों ही नेताओं के बीच मुलाकात हुई। तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से चन्नी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ बैठकर बातचीत भी कर रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 45वें मैच में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया है। दुबई में खेले गए इस मुकाबले में केकेआर ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान से 165 रन बनाए। पंजाब किंग्स ने 167 रनों के लक्ष्य को 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ बता दें आपको, पंजाब ने 12 मैचों में 5वीं जीत ये दर्ज की है। और वहीं केकेआर को इतने ही मैचों में 7वीं हार झेलनी पड़ी है। राहुल ने 67 रन बनाकर पारी के अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुए, तो वहीं वेंकटेश अय्यर की गेंद पर शिवम मावी ने भी उनका मैच कैच लपका। उन्होंने 55 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के लगाए। 167 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब को राहुल और मयंक अग्रवाल ने बेहतरीन शुरुआत दी। दोनों ने 70 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप भी की थी। वहीं वरुण चक्रवर्ती ने साझेदारी को तोड़ा जब मॉर्गन के हाथों मयंक को कैच कराया। वहीं मयंक ने 27 गेंदों की अपनी पारी में 3 चौके और इतने ही छक्के लगाए। फिर निकोलस पूरन को भी वरुण ने ही पवेलियन भेजा। ऐसे में डेन मार्कन ने भी सुनील नरे ने शिकार बनाया और पारी के 16वें ओवर की 3री गेंद पर शुभमन गिल को हाथों से कैच करा दिया। ऐसे में मार्कनम ने 16 गेंदों की अपनी पारी में 1 छक्का लगाया, जबकि दीपक हुड्डा कुछ खास नहीं कर पाए और शिवम मावी की गेंद पर त्रिपाठी को कैच दे बैठे। साथ ही अपना पहला ही सीजन खेल रहे वेंकटेश अय्यर ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 2रा अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 49 गेंदों की अपनी पारी में 9 चौके और 1 छक्के जड़े। वहीं टीम के 3रे विकेट के तौर पर पवेलियन लौटे जब उन्होंने रवि बिश्नोई को 15वें ओवर की 4थी गेंद पर दीपक हुड्डा के हाथों कैच कराया। उन्होंने राहुल त्रिपाठी के साथ 2रे विकेट के लिए 72 रन भी जड़े, तो अय्यर ने 67 रन ही बनाए। आगरा रेल डिवीजन द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया है। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत उत्तर मध्य रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशन के साथ साथ आवासीय परिसर, हॉस्पिटल को भी साफ रखने का काम किया जा रहा है। बता दें, एडीआरएम ने बताया कि आगरा मंडल के अधीन आने वाले सभी रेल परिसरों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तो इस स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया है और ये आयोजन 16 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी आज तक के लिए किया गया है। इसके जरिए सभी रेलवे स्टेशन और सभी हॉस्पिटलों को साफ रखने का काम किया जाएगा। देखिए, स्वच्छता पखवाड़ा जो ये रेलवे में चल रहा है, ये भारत सरकार की तरफ से जो एक बहुत बड़ी पहल की गई है स्वच्छता के लिए, वो 16 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक के बीच में विशेष फोकस के साथ किया जा रहा है। वैसे तो हम सफाई और स्वच्छता अभियान पूरे वर्ष चलाते हैं, लेकिन इन प्रयासों को गति देने के लिए, उस पर फोकस डालने के लिए हम ये विशेष पखवाड़ा मनाते हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ विशेष कार्य दिवस निर्धारित करते हैं, जैसे कि स्वच्छ नीर दिवस, स्वच्छ
आहार दिवस, स्वच्छ परिसर दिवस, स्वच्छ प्रसाधन दिवस, जिसमें हम एक एक थीम बेस्ड दिन ले लेते हैं और उस थीम पे उस पर कार्य करते हैं। जैसे यदि हमने स्वच्छ नीर दिवस लिया है तो उस पर हम जो भी जल है उसकी स्वच्छता मापने का कार्य, उसका TDS, उसका क्लोरीनेशन, उसको पीने हेतु उसकी क्या योग्यता है, इसकी जांच परख करते हैं। सिर्फ इसलिए कि लोगों में जागरूकता आए और ये भी माना जाए कि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो इस तरीके से हमने विभिन्न दिवस निर्धारित किए थे जिसको हमने संपन्न किया है। और कल 2 अक्टूबर का दिवस है जिस दिन हम अपने स्टेशन पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता की अलग जगाने का प्रयास करेंगे। वहीं अमेठी में BJP कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत के तहत संगोष्ठी का आयोजन किया गया और इसमें BJP प्रदेश मंत्री और अमेठी प्रभारी संजय राय शामिल हुए। बता दें राज्य मंत्री सुरेश पासी भी गोष्ठी में शामिल हुए और जिला प्रभारी ने कहा कि मोदी और योगी सरकार में कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत हुआ है। तो अमेठी में ये BJP कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया जहाँ पर तमाम लोग शामिल हुए और वहां पर प्रदेश मंत्री और मैठी प्रभारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हरदोई के किसानों को धान की फसल की मूल्य समर्थन योजना का लाभ दिलाने के लिए जिले में 54 धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। 1 अक्टूबर से ये केंद्र शुरू हो चुके हैं जिनका संबंधित अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण भी किया है। बता दें ADM वंदना त्रिवेदी ने बताया कि किसानों को अगर कोई समस्या है तो वो संबंधित SDM और या फिर जिला मुख्यालय पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही बता दें शासन ने 2,35,000 मेट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य भी निर्धारित किया है और 1 अक्टूबर से धान खरीद को लेकर जिला प्रशासन ने 5 क्रय एजेंसियों में 54 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं। ऐसे में प्रभारियों ने क्रय केंद्रों पर बैनर लगाने का काम भी पूरा कर लिया है और अधिकतर केंद्रों पर केंद्र प्रभारियों ने इलेक्ट्रॉनिक काटा बाट और छलना आदि उपकरण भी पहुंचा दिए हैं। ऐसे में ADM वंदना त्रिवेदी ने बताया कि धान खरीद केंद्र अवकाश के दिनों को छोड़कर सभी कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए खुले रहेंगे। ऐसे में केंद्र प्रभारी द्वारा शासन से निर्धारित मानकों की जांच के उपरांत धान खरीद की जाएगी और ADM ने कहा कि किसान धान सुखा कर ही केंद्र पर लाए जिससे कि खरीदने में कोई भी असुविधा ना हो सके। सरकारी केंद्र पर धान बेचने के लिए 948 किसानों ने खाद्य विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण भी करा लिया है और बात की जाए सेंटरों की तो विपणन शाखा 18, उप सहकारी संघ 16 और भारतीय खाद्य नियम 3 उत्तर प्रदेश को ऑपरेटिव यूनियन 11 के केंद्र बनाए गए हैं जिससे अब लोगों को और किसानों को धान खरीद की कोई भी परेशानी नहीं होगी। जनपद हरदोई में वर्तमान में 8 तारीख से 54 धान क्रय केंद्र हमारे संचालित हो गए हैं, परंतु आज दिनांक तक कोई भी टोकन रेंडेड किसी भी काश्तकार द्वारा नहीं कराया गया है। जिस हिसाब से DD एग्रीकल्चर द्वारा सूचित किया गया है, वर्तमान में जनपद हरदोई का धान थोड़ा सा विलम्ब से 8 अक्टूबर तक आने की संभावना है, परंतु हमारी पूरी तैयारियां हैं और किसान आज से किसी भी दिन पर धान ला सकता है। यदि उसे किसी प्रकार की समस्या है तो अपने संबंधित क्षेत्र के तहसील के उप जिलाधिकारी से या जनपद पे आकर के मुझसे या जिलाधिकारी महोदय से संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए किसान भाइयों से यह भी अनुरोध और अपील है कि अपना सेंटर पे जो भी धान लाएँ बस सूखा और साफ सुथरा लेकर के आएँ जिससे खरीद में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आने से पहले अपना टोकन भी जनरेट करें और यदि किसी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए तत्काल हम लोगों से संपर्क स्थापित करें। वहीं डिवाइन ब्लेसिंग स्टूडियो द्वारा निर्मित आध्यात्मिक थ्रिलर फिल्म मनस्वी 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। हरिद्वार पहुंचे फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर शिव कुमार शर्मा ने श्री साधु गरीब दासीय धर्मशाला सेवा आश्रम में जानकारी देते हुए बताया कि अघोर और तंत्र के प्रति आम जनधारणों को दूर करने के लिए इस फिल्म का निर्माण किया गया है। फिल्म के माध्यम से युवाओं को अध्यात्म का संदेश देने का प्रयास किया गया है और फिल्म मध्य भारत में हो रही बाल हत्याओं के मामलों को सुलझाने में जुटी CBI अधिकारी सत्यकाम की आध्यात्मिक यात्रा के इर्द गिर्द घूमती हुई भी नजर आएगी। मूवी मनस्वी सभी 8 तारीख PVR सिनेमा घरों में प्रदर्शित की जा रही है। ये मूवी बेसिक अघोर और बुद्धिज्म को एक साथ मिला के
एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर सस्पेंस मूवी बनाई गई है। अघोर का मतलब अपने आप को घृणा से भी ऊपर करना माना गया है, तो ही अघोर हो सकता है। तंत्र अलग चीज़ है, हर आदमी अपने तंत्र को अघोर से जोड़ रहा है और अलग अलग चीज़ों में गलत भ्रम को फैला रहा है और भ्रम में फंस रहा है। बुद्ध कहते हैं प्रेम और करुणा से जिए, जो कि आज कम हो चुकी है। तो पात्र उसी घटना को स्वयं से स्वयं तक ले जाता है, उसका अपना एक गंतव्य है। हर व्यक्ति को अपने अंदर को जानना चाहिए, वो अपने अंदर को जान लेगा तो शायद शिव से उसका एकाकार हो। मुझे लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक इस मूवी को देखें, इस फिल्म को देखें और देख करके जिससे हमारे सनातन संस्कृति के बारे में भी आपको ज्ञान होगा कि हमारे सनातन संस्कृति में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसी साधनाएँ हैं, क्या क्या प्रक्रियाएँ हैं, उनसे भी अवगत होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे निवेदन है, और इसमें जो भी मूवी देखने के बाद जो भी फंड आएगा वो फंड जो है जो विकलांग बच्चों के सेवा में खर्च किया जाएगा, सेवा के प्रकल्पों में जाएगा। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये तो एक प्रकार का सेवा है। तो इस सेवा में आप सब बढ़ चढ़ करके भाग लें, इसमें इस मूवी को देखें और इससे जो भी आएगा वो सेवा में जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है, आसपास में सिनेमाघरों में जहाँ भी आपको मौका मिलता है इस मूवी के बारे में आप अवश्य देखें। और देख करके सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संस्कृति सनातन परंपराओं से आप विज्ञ हो जाएं, आप इसको जान लें, यह इस मूवी का लक्ष्य है। लक्सर के विराट गेस्ट हाउस में ठाकुर संजू सिंह के द्वारा पत्रकार और प्रतिभावान बालिका स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां ठाकुर संजय सिंह द्वारा तहसील लक्सर और खानपुर के पत्रकारों को फूल माला पहनाकर और शॉल भेंटकर भव्य स्वागत किया गया और क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं ठाकुर संजय सिंह पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि लक्सर में पत्रकारों और प्रतिभावान बालिकाओं का स्वागत सम्मान समारोह किया है। उन्होंने कहा कि उनका जो संकल्प है सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसी में से शिक्षा के प्रति उनके द्वारा कार्यक्रम पर यह कदम उठाया गया है, जिसमें जिन प्रतिभावान बच्चों की आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो आगे बढ़ना चाहते हैं ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन राशि देकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जो हमने सम्मान समारोह रखा था वो यहाँ के लक्सर क्षेत्र के सभी पत्रकारों के साथ एक मेल मिलाप का प्रोग्राम रखा था हमने, क्योंकि और साथ साथ हमने बच्चों के जो प्रतिभावान बच्चे हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमने जो संकल्प किया है सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसमें से आज जो शिक्षा के प्रति जो हमारी जो हम क्षेत्र में जागरूकता फैलाना चाहते हैं उसी के मद्देनज़र आज हमने ये कदम उठाया कि जो बेटियां हैं हमारी जो पढ़ने में उत्कृष्ट हैं लेकिन किसी न किसी कारणवश उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, ऐसे बच्चों को हमने आज थोड़ी सी प्रोत्साहन राशि देके उनका मनोबल बढ़ाया है। और सबसे पहले इस चीज़ के लिए मैं अपने टीचर्स को, अपनी फैमिली को थैंक्स बोलना चाहूँगी भगवान को, क्योंकि उन सबके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उन सब ने बहुत सपोर्ट किया एंड थैंक्स टू माय ऑल टीचर्स एंड माय पेरेंट्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स, क्योंकि सभी बहुत अच्छे थे। मेरे फ्रेंड्स भी सब ने बहुत हेल्प की, सब बहुत अच्छे थे। मैं आई पी इंटर कॉलेज से पढ़ी हूँ, मेरा कॉलेज भी बहुत अच्छा था, हर चीज़ में सपोर्ट करता है वहाँ के टीचर्स, और घर पे भी सब, घर पे फैमिली ने कभी कोचिंग करने के लिए, कभी पढ़ने के लिए कोई रोक टोक नहीं की, कभी मना नहीं किया, सब बहुत अच्छा था। तो बता दें आपको लक्सर में ये सम्मान समारोह किया गया जहाँ पर पत्रकारों और छात्रों को सम्मानित किया गया, साथ ही आपको बता दें कि प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित भी किया गया, उनको प्रोत्साहन राशि भी दी गई। वहीं ठाकुर संजय सिंह पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि लक्सर में पत्रकारों और प्रतिभावान बालिकाओं को सम्मानित भी किया गया, और उन्होंने कहा कि उनका जो संकल्प है सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसी में से शिक्षा के प्रति उनके द्वारा कार्यक्रम कर ये कदम उठाया गया है, जिसमें जिन प्रतिभावान बच्चों की आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो आगे बढ़ना चाहते हैं ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन राशि देकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया गया है।
रुद्रपुर के गांधी पार्क में उत्तराखंड के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के उद्घाटन से पहले रिहर्सल किया गया। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट इस ध्वज का उद्घाटन करेंगे और उनके साथ में जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी यति श्रव आनंद और शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम के मद्देनजर आज पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में गांधी पार्क में राष्ट्रगान बजाकर और उसके बाद मुख्यमंत्री के आने जाने तक की सभी गतिविधियों को परखा गया और इस मौके पर एसएसपी दिलीप सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें आज उत्तराखंड में सबसे ऊंचे ध्वज का उद्घाटन किया जाएगा, गांधी पार्क में उद्घाटन किया जाएगा। उससे पहले कल रिहर्सल की गई और तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। बता दें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे उद्घाटन करने के लिए और उससे पहले सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर लिए गए थे। पूरी तरह से मुख्यमंत्री के आने से जाने तक की पूरी रिहर्सल एक बार कल ही कर ली गई थी ताकि कभी आज जो होने वाला कार्यक्रम है उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। रुद्रपुर के साथ साथ हमारे पूरे उत्तराखंड और पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व का विषय है कि 191 फीट का जो झंडा यहाँ पर मान्य हमारे हिंदू इंद्र सम्राट राजकुमार ठुकराल जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर फहराया जा रहा है और गांधी पार्क जो ऐतिहासिक हमारे पूरे उत्तराखंड के साथ साथ रुद्रपुर का भी ये ग्राउंड यहाँ पर रहा है और यहाँ पर न जाने कितने मेले उत्सव यहाँ पर विभिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ पर मनाते हैं और इतिहास में पहली बार एक राष्ट्रीय ध्वज वो भी 151 फीट यहाँ पर लग रहा है। तो हमारे पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे उत्तराखंड और पूरे रुद्रपुर के अंदर जो नई पीढ़ी है उसके अंदर देशभक्ति की भावना भी जागृत होगी और उसके साथ साथ जो है एक नया संदेश, एक नई क्रांति का आगाज, देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर जागृत होगी और कहीं ना कहीं से इस राष्ट्रीय ध्वज के यहाँ पर लगाने से जो है दूर दराज के जो पर्यटक लोग भी हैं यहाँ पर अपने झंडे को यहाँ पर देखने के लिए भी यहाँ पर आएंगे जिससे यहाँ की खुशहाली भी यहाँ पर आएगी। और इसी के साथ मैं हिंदू हृदय सम्राट राजकुमार ठुकराल जी का बहुत साधुवाद देता हूँ और पूरी टीम को जिन्होंने यहाँ पर जो है इतना भव्य यहाँ पर आयोजन यहाँ पर किया है और इसके लिए पूरे हमारे रुद्रपुर विधानसभा के पूरे जितने भी लोग हैं सभी लोग साधुवाद के प्रार्थी हैं। जय उत्तराखंड, जय भारत। रुद्रपुर में आज उद्घाटन से पहले कल ही गांधी पार्क में रिहर्सल हुआ था। बता दें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करने के लिए जाएंगे जहां पर सबसे ऊंचे ध्वज का उद्घाटन किया जाएगा और उनके साथ तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल ही सारे इंतजाम कर लिए गए थे, सारी तैयारियां कर ली गई थी और एक बार कल ही पूरी की पूरी रिहर्सल भी कर ली गई थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी अब सप्ताह में 5 दिन लखनऊ में ही रहकर चुनावी तैयारियों पर नजर रखेंगी। वो सोमवार से शुक्रवार तक लखनऊ में ही रहेंगी और इसके संकेत उन्होंने खुद बृहस्पतिवार को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित सलाहकार समिति की बैठक में दिए थे। प्रियंका ने बृहस्पतिवार को प्रदेश इलेक्शन कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठक कर अब तक की तैयारियों की समीक्षा भी की। बैठकों में तय किया गया कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची दीपावली के आसपास जारी कर दी जाएगी। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक बैठक में ये भी तय किया गया है कि चुनावी रैलियों का आगाज वाराणसी से किया जाएगा और 10 अक्टूबर को होने वाली रैली में प्रियंका कांग्रेस के चुनावी प्रतिज्ञा का भी ऐलान करेंगी। इसके साथ ही 17 अक्टूबर से कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत कुल 4 प्रतिज्ञा यात्राएं निकाली जाएंगी और प्रत्येक यात्रा के पहले प्रियंका की एक रैली भी आयोजित की जाएगी। ये यात्राएं तकरीबन 1 महीने तक चलेंगी और इनका समापन लखनऊ में के एक महरौली के साथ किया जाएगा। बता दें सूत्रों के मुताबिक ये महारैली 19 नवम्बर को हो सकती है।
पिछले 32 साल की गैर कांग्रेसी सरकारों ने उत्तर प्रदेश को जाति और धर्म के नाम पर लूटने का काम किया। उत्तर प्रदेश कंगाल होता चला गया, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, लगातार किसान परेशान है, गन्ना किसान परेशान है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी ने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते से नीचे ले जाने का काम किया। इसी को लेकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी 10 अक्टूबर को बनारस से रैली की शुरुआत करेंगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने को लेकर जो लगातार उनके प्रयास चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आवाज़ वो लगातार उठा रहे हैं, नौकरियों को लेकर या किसानों के मुद्दे पर, सभी पर, इन सारे विषयों को जोड़ते हुए 10 अक्टूबर को एक बड़ी जनसभा वाराणसी में शुरू हो रही, जिसको श्रीमती प्रियंका गांधी जी संबोधित करेंगी। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।